वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट के इतिहास के कुछ 3 मार्क्स क्वेश्चन के साथ आज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका पहला पार्ट है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट, यजुर्वेद, ससर्व पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्व्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6,000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म, संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ। जैन धर्म, संस्थापक ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट, टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण यह अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंधों का वर्णन किया है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसके विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। टॉलमी एक प्रख्यात ज्योतिर्विद थे। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने 1वीं शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। हाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। हैनसोंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण शियू की नाम से प्रसिद्ध है। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यू तथा तंग्यू नामक ग्रंथ की रचना की। इसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, अर्थात मुर्दों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध
स्मारकों में से एक हैं और यह मोहनजोदड़ो में स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इसे 3000 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह मोहनजोदड़ो के दुर्ग में स्थित है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, आज का पहला वीडियो इतिहास की पेपर फर्स्ट MBPSC से रिलेटेड था। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं एवं लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो थैंक्स फ्रेंड्स।